नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। विराट कोहली दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, क्रिकेट जगत में अपना लोहा मनवाने वाले, अपने फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले, क्रिकेट फैंस के बीच सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले, अपने रनों के लिए मशीन बन जाने वाले और उसके बाद रन मशीन के नाम से जाने जाने वाले हैं कोहली, जो आज अपना 31वां बर्थडे मना रहे हैं। वो अपने खास नॉट टैटूज के लिए भी जाने जाते हैं। आपने भी कोहली के टैटूज को देखा होगा, लेकिन कोहली के हर एक टैटू के पीछे है एक दिलचस्प कहानी। चलिए आपको सुनाते हैं कोहली के टैटूज की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं उनके माता पिता के टैटू की, जिनके नाम उन्होंने अपने हाथ पर गुदवाए हुए हैं। विराट की मां का नाम सरोज है और पिता का नाम प्रेम कोहली। जब विराट मात्र 18 साल के थे, तभी उनके पिता प्रेम कोहली का देहांत हो गया था, जिसके अगले ही दिन उन्हें रणजी में कर्नाटक के खिलाफ खेलना था। वो खेले भी थे और उन्होंने 90 रनों की शानदार पारी खेली थी। विराट अक्सर अपनी मां सरोज के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं। एक विज्ञापन के लिए तो उन्होंने अपनी मां के नाम वाली टी शर्ट भी पहनी थी। विराट अपने पेरेंट्स के कितना करीब हैं, वो आप उनके टैटू से समझ सकते हैं। एक दूसरा टैटू जो विराट ने बनवाया है, वो है भगवान शिव का। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। धार्मिक कथाओं में कैलाश को उनके रहने की जगह बताया गया है। शिव की छवि ऐसी है कि वो अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था और धरती का अस्तित्व संकट में आ गया था, तो भगवान शिव ने ही उसे अपने कंठ में रख लिया था। भगवान शिव के ऐसे ही टैटू को विराट ने गुदवाया हुआ है। एक और टैटू जो कोहली ने बनवाया हुआ है, वो है मठ का टैटू। मठ के टैटू की खासियत होती है कि वो व्यक्ति को शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है। शांत रहने की बात को भले ही कोहली के मामले में थोड़ा साइड में रख दें, लेकिन खेल को बेहतर बनाने और मैच जीतने के लिए जो कोहली की लगन है, वो सच में काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं टोपी नंबर की, वो भी कोहली ने अपने हाथ पर गुदवाया है। 2008 में जब कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था, तो वो भारत की तरफ से इंटरनेशनल वनडे खेलने वाले 175वें क्रिकेटर बने थे, जिसे उन्होंने अपनी मां के टैटू के साथ गुदवाया हुआ है। फिर साल 2011 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले 269वें क्रिकेटर बने थे। इस नंबर को कोहली ने पिता प्रेम के टैटू के साथ गुदवाया हुआ है। कोहली के लिए इन दोनों ही नंबरों के मायने बेहद खास हैं। कोहली के टैटूज के बारे में सर्च करते हैं तो कई जगह बताया गया है कि कोहली ने जो सबसे पहला टैटू बनवाया था, वो ट्राइबल आर्ट थी। हालांकि ये कोहली के शरीर पर पहला टैटू था कि नहीं, इसके लिए पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्राइबल आर्ट को शरीर पर गुदवाने का अपना अलग ही मतलब होता है। कहा जाता है कि जो टैटू कोहली ने गुदवाया है, वो किसी भी इंसान के एग्रेशन को दर्शाता है। मैदान पर कोहली का एटीट्यूड देखकर कोई भी कह सकता है कि कोहली के हिसाब से ये टैटू बिल्कुल सटीक है। स्कॉर्पियो का टैटू, यानी कि वृश्चिक राशि का टैटू। कोहली का बर्थडे 5 नवंबर को होता है, जो कि आज ही है, तो उस हिसाब से वो स्कॉर्पियन हुए, जो कि आमतौर पर दृढ़, हठी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग जिंदगी की हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करते हैं, जो कि कोहली के लिए बिल्कुल सही है। कोहली का ऐसा मानना है कि उनकी कई आदतें हैं जो समुराई से मेल खाती हैं। समुराई वो लोग होते हैं जो जापान में मध्य और आधुनिक काल में बतौर सैनिक अपनी सेवाएं देते थे। विराट का बुशीडो कोड में गहरा यकीन है, जिसके 7 गुण होते हैं, न्याय, साहस, भलाई, शीलता, ईमानदारी, सम्मान और वफादारी। इसलिए कोहली ने इसे भी अपने हाथ पर गुदवाया है। इसके बाद आमतौर पर कहा जाता है कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई आप पर हर समय नजर बनाए हुए है। इस सिद्धांत को कोहली बहुत ज्यादा मानते हैं और जब वो इस स्तर के सेलिब्रिटी हैं, तो कोई नहीं तो कैमरे वाली आंख तो उन्हें हमेशा देख ही रही होती है। कैमरे वाली आंख से तो नहीं, लेकिन हाँ, भगवान की आंख से प्रभावित होकर कोहली ने एक टैटू बनवाया है, गॉड्स आई, जो सब कुछ देख रही है। और इसके बाद ओम का टैटू, जिसे हिंदू धर्म में बीज मंत्र बताया गया है, जिससे बाकी चीजों की उत्पत्ति हुई। कोहली का मानना है कि उन्हें ये टैटू याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में इंसान की हैसियत सिर्फ धूल के कण की है, तो उसे कभी भी खुद को प्रकृति या दुनिया से बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो ये थे कोहली के 9 टैटूज, जो कोहली के लिए हैं बेहद खास, और हर एक टैटू के पीछे है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। कोहली के इन शानदार टैटूज की तारीफ करते हुए हम लोग भारत की रन मशीन को उनके बर्थडे की शुभकामनाएं देते हैं।